लेसन नंबर 18, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियन क्या होता है? बिच्छू। ठीक है, बिच्छू के बारे में है कि एक रात की बात है जब बिच्छू ने किसी को काट लिया था, तो उसके बारे में स्टोरी है। ठीक है, ये स्टोरी लिखी है निसिम एजकेल ने। स्टार्ट करते हैं। इट वॉज अ डार्क नाइट, अंधेरी रात थी। इट हैज बीन रेनिंग स्टेडली फॉर 10 आवर्स, लगातार बारिश हो रही थी 10 घंटों से। अ स्कॉर्पियन केम आउट एंड एंटर्ड द पोइट्स कॉटेज। स्कॉर्पियन, एक बिच्छू, बाहर निकला और पोइट के कॉटेज में चला गया। ठीक है, कॉटेज जो उसका घर था, जहाँ पे वो रहता था, झोंपड़ी में, उसमें चला गया। इट हिड इटसेल्फ अंडर अ लार्ज बैग ऑफ राइस, चावल का जो बैग पड़ा था उसने अपने आप को उसके नीचे छिपा लिया। इट व्हेन द पोइट्स मदर वेंट देयर इन द डार्क टू कलेक्ट राइस, जब अंधेरा हो रहा था, बारिश आ रही थी, ठीक है, पोइट की मदर जो है जब राइस लेने गई वहां पे उस बैग से, द स्कॉर्पियन स्टंग हर, स्कॉर्पियन ने उसे डंक मार दिया। आफ्टर इंजेक्टिंग इट्स पॉइजन इन टू हर बॉडी, इट स्लिप्ड आउट इन द रेन अगेन। अपना जो जितना भी पॉइजन था उनकी बॉडी में इंजेक्ट करके वो फिर से वहां से बाहर चला गया कॉटेज से। ठीक है, द मदर क्राइड इन द पेन, अब मदर जो है वो दर्द से करा रही है। द न्यूज स्प्रेड इन द विलेज रैपिडली, और जो खबर है वो पूरे गांव में फैल गई। द पीजेंट्स केम टू द कॉटेज इन अ लार्ज नंबर लाइक फ्लाई, जितने भी किसान थे आसपास के वो सभी आ गए और इस तरह से इकट्ठे हो गए जैसे मक्खियां इकट्ठी हो जाती हैं, इस तरह से लोग इकट्ठे हो गए वहां पे। दे रिपीटेड द नेम ऑफ गॉड 100 times, वो हजारों सौ बार जो भगवान का नाम ले रहे थे, सो दैट द स्कॉर्पियन माइट स्टॉप मूविंग, कि स्कॉर्पियन का जो जहर है वो मूव करना बंद कर दे, क्योंकि स्कॉर्पियन का जहर ऐसे चढ़ जाता है बॉडी में और बंदा जो है वहीं पे मर जाता है। अगर वो एक बार भी आंखें बंद कर ले, बेहोश हो जाए, तो वो बंदा मर जाता है। ठीक है, तो इसलिए दे बिलीव दैट अ इफेक्ट ऑफ पॉइजन विड इंक्रीज विद एवरी मूवमेंट, क्योंकि उनको ये पता था कि स्कॉर्पियन का जो जहर है वो हर एक मूवमेंट के साथ इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। द पीजेंट बोथ विद दम कैंडल एंड लैंटर्न्स, वो कोई हाथ में मोमबत्ती लेके आया, कोई लालटेन लेके आया। दे स्टार्टेड देयर सर्च फॉर द डेविल, वो उस राक्षस को ढूंढने में जुट गए कि वो कहाँ है स्कॉर्पियन। दे कास्ट लार्ज स्कॉर्पियन लाइक अ शेडो, उनको एक स्कॉर्पियन टाइप की एक शेडो दिखी मड वाल में। देयर सर्च बोर नो फ्रूट, लेकिन उनकी सर्च को कोई फल नहीं मिला, मतलब उनको कोई कुछ सर्च करने से कुछ हासिल नहीं हुआ। दे मेड अ शॉर्ट शार्प साउंड विद द टंग, वो टंग से शार्प साउंड करने लगे, जो साउंड सुन के शायद स्कॉर्पियन आ जाए। एक्सप्रेसिंग पाइटी फॉर द मदर, और उनके लिए पाइटी फील कर रहे थे, सो देयर एज देयर ओन हेल्पलेसनेस, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकते थे उस टाइम। ठीक है, स्कॉर्पियन के काटने का इलाज नहीं कर सकते थे इसलिए। When they failed to trace the scorpion, जब वो फेल हो गए स्कॉर्पियन उनको नहीं मिला, they started chanting prayers, उन्होंने जो है प्रार्थना करनी शुरू कर दी। They said that the pain and suffering of the mother in the life would lessen her suffering in the next life, वो कहते हैं कि इस जीवन में जितने कष्ट भोगने हैं वो भोग लो, ताकि अगला जीवन जो है बिना कष्टों के हो। मतलब वही है ना, जैसे अगर हमने इस जीवन में कष्ट भोगने हैं तो हमारे कष्ट खत्म हो जाएंगे, अगले जीवन में वो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर इस जीवन में ना भोगे तो फिर से वो अगले जन्म में आ जाएंगे। तो वो इस तरह से धारणा बनाए हुए किसान उनको ऐसे, मतलब एक तरह से सांत्वना दे रहे थे। ठीक है, ही हर सफरिंग वुड वॉश आउट हर सम ऑफ एविल एक्शन, कि जो तुम्हारे बुरे कर्म हैं वो, ये जो तुम्हारा दर्द है वो खत्म कर रहे हैं, ये तुम्हारे बुरे कर्म हैं जो खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तुम इसको सहलो। द पॉइजन वुड प्योरीफाई हर बॉडी ऑफ ऑल डिजायर्स, कि तुम्हारे जो पॉइजन है ये तुम्हारी बॉडी में घुल के सारे तुम्हारे जितने भी पाप है कर्म वो नष्ट कर देंगे। दे सेट अराउंड द ग्रोनिंग वुमेन, ग्रोनिंग कराती हुई वुमेन के साइड में वो सब बैठ गए। दे वर कंटेंटेड विद वट दे कुड डू और हैड डन, वो संतुष्ट थे कि उसने जो भी आज तक किया है या करेंगे। दे बट द पोइट्स फादर वॉज अ सेंसेबल पर्सन, लेकिन जो पोइट के फादर थे वो समझदार इंसान थे। ही सेट अबाउट अप्लाइंग हर्बल मेडिसन ऑन द बीटन टो, उन्होंने टो मतलब पैर के अंगूठे पे, वहीं पे उसने स्टंक किया था स्कॉर्पियन ने, तो उस पे उन्होंने हर्बल मेडिसन लगाई। वाइल द होली मैन वाज परफॉर्मिंग पूजास टू फाइट विद द पेन, कि एक तरफ जो धार्मिक लोग पूजा पाठ में लगे थे भगवान ने इसे बचा ले, है ना, तो जो पोइट का फादर था वो थोड़ा दिमागदार इंसान था, उसने क्या किया कि हर्बल मेडिसन लगाई।
एंड द पेन डिसअपियर आफ्टर 24 आवर, और 24 घंटे के बाद जो पेन था वो डिसअपियर हो गया, खत्म हो गया। द मदर डिड नॉट कर्स दैट स्कॉर्पियन और हर फेट, ना ही मदर ने स्कॉर्पियन को कुछ कहा, ना ही अपनी जो है किस्मत पे उसने कुछ वो रोई। शी इंस्टेड थैंक गॉड दैट ही मेड हर अलोन सफर एंड स्प्रेड हर चिल्ड्रन, उसने भगवान को सिर्फ इतना शुक्रिया किया कि थैंक गॉड कि ये जो सफ़र था, ये जो पेन था, ये तुमने मुझे दे दिया, मेरे बच्चों को नहीं दिया, अदरवाइज मेरे अगर बच्चों को कुछ होता तो मैं कैसे संभालती। तो बस उसने इस बात का थैंक किया कि गॉड को कोई बात नहीं, अगर मुझे ये हो गया तो ठीक है। सो इट वॉज द स्टोरी ऑफ द स्कॉर्पियन।